Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. फर्श पर हर तरफ फुजला और खून फैला हुआ था। वो बच्चा उस गंदगी के बीचों बीच गया और फिर झुककर उसने ज़मीन पर एक गिरा हुआ बटन उठाया, उसकी खुशबू सूंघी और फिर मुस्कुराकर उसे अपनी जेब में डाल दिया। जिब्रान, डॉक्टर दानियाल की आवाज़ सुनकर जिब्रान चौंक गया। उसने पलटकर देखा तो डॉक्टर दानियाल को अपने सामने खड़ा देखकर उसके चेहरे का रंग एक लम्हे के लिए उड़ गया। डॉक्टर दानियाल ने जिब्रान से पूछा, जिब्रान बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हो और आपके अम्मी अबू कहाँ हैं? जिब्रान ने निडर होकर कहा, अम्मी नानी जान से बात कर रही हैं और अबू कैंटीन गए हैं। ओह अच्छा अच्छा, आपको यहाँ से क्या मिला बेटा? डॉक्टर दानियाल के इस सवाल पर जिब्रान ने अपने दोनों हाथ पीछे छुपाते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं। डॉक्टर दानियाल ने उसका झूठ पकड़ते हुए पूछा, तो फिर आपने ज़मीन से उठाकर अभी अभी अपनी जेब में क्या रखा? चोरी पकड़ी जाने पर जिब्रान ने एतराफ़ कर लिया और कहा, अच्छा अच्छा, वो एक बटन मिला है मुझे। क्या करोगे आप इस बटन का? मैं ये बटन नर्स को दे दूँगा ताकि वो उन बाजी को वापस कर सकें जिनका अभी एक्सीडेंट हुआ है, वरना वो परेशान होंगी ना कि उनका बटन कहाँ खो गया। आप मेरी शिकायत तो नहीं करेंगे ना डॉक्टर अंकल? इस मासूम सवाल पर डॉक्टर दानियाल ने जिब्रान से कहा, अरे नहीं बेटा, आपने कोई गलत काम थोड़ी किया है, लेकिन आपको यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। चलो आओ, मैं आपको आपके रूम तक छोड़ दूँ, आप डर गए होगे ना। डॉक्टर दानियाल के इस अंदाजे पर जिब्रान ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे डर नहीं लगता, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर दानियाल ने जिब्रान के लहजे और उसके अल्फाजों में मौजूद संजीदगी को महसूस करते हुए पूछा, आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? जिब्रान ने जवाब दिया, ताकि मैं लोगों को नुकसान पहुंचा सकूं। डॉक्टर दानियाल ने इस पर चौंक कर पूछा, क्या कहा आपने, नुकसान? जिब्रान ने झिझकते हुए कहा, मैं डॉक्टर बन के लोगों को जानी नुकसान से बचाना चाहता हूँ, उन पर एहसान, उनके साथ हमदर्दी, उन्हें फ़ायदा पहुँचाना चाहता हूँ। जिब्रान के इस मशकूक रवैये और बहकी बातों ने डॉक्टर दानियाल को झुंझोड़ कर रख दिया। डॉक्टर दानियाल ने फौरन जाकर ये सारा किस्सा डॉक्टर महनाज को सुनाया और उन्हें केस फाइल करने से रोक दिया। डॉक्टर दानियाल, क्या आपको पूरा यकीन है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कमरे में जाना और ज़मीन पर से गिरा हुआ बटन उठाना ये सब नॉर्मल क्यूरियोसिटी हो, सिर्फ जिब्रान का तजस्सुस हो? डॉक्टर महनाज के इस सवाल पर डॉक्टर दानियाल ने उन्हें समझाया, नहीं महनाज, इस उम्र में बच्चे बहुत हसास होते हैं, उसे तो ये सब देखने के बाद डर कर पीछे हट जाना चाहिए था, मगर जिब्रान तो उस कमरे की तरफ खिंचा चला आया। वो खून को देखकर बिल्कुल नहीं घबराया, उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था, वो मुस्कुरा रहा था, और ये बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं है महनाज। मेरा तजुर्बा कहता है कि ये किचन या गार्डन में हुए कोई मामूली हादसे नहीं हैं, जिब्रान शायद जाने अनजाने अपने घर वालों को चोट पहुंचा रहा है और उसके पेरेंट्स अनजान बन रहे हैं इससे पहले कि जिब्रान कोई और बड़ी मुसीबत खड़ी कर दे। हमें उनसे बात करनी ही होगी। कहानी ने आगे क्या मोड़ लिया, ये जानने के लिए इंतज़ार कीजिए अगले हिस्से का।